मी सरोज पांडे। धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मैं आज इस नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ी हुई हूं और आज मैं संसद में, ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर मैं इसकी भागीदार हूं और मुझे इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। हेलो, एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट द वे। पिछले छह माह से वन लेडी स्पीकिंग शुड ऑनर हिम। भारत की संसद में जिस प्रकार से निर्णय हुए हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने वाला कदम है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं ये बात को कहना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसे विषय थे जो लंबित थे, जिसकी ओर पूरा देश आशा भरी निगाहों से देखता रहा, लेकिन ऐसे विषय कई बार पूर्ण नहीं हो पाए, राजनीति की बलि चढ़ गए और राजनीति की बलि चढ़ने के कारण ऐसे विषय जब नहीं हो पाते। मिस्टर बाजवा, प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज, नो, प्लीज गो टू योर सीट। तो जनता उन विषयों पर कुछ कह नहीं पाती थी, मन महसूस के रह जाती थी। आज भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के गृह मंत्री जी को मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहती हूँ कि हजारों हजार देश के नागरिक जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जिन्होंने बहुत आस के साथ में इस देश में पनाह ली, जब पनाह उन्होंने लिया तो ये सोच के लिया कि ये देश की धरती हमारी रक्षा करेगी, लेकिन उस समय देश के जो शासक थे उन्होंने उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं ये विषय कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी, और हमने केवल तुष्टीकरण की राजनीति अगर की होती तो आज यहाँ पर इस सदन में बैठकर विपक्षी दल के नेता हमसे सबूत नहीं मांगते। मुझे ये विषय समझ में नहीं आया कि इस सदन में बैठकर सबूत मांगने का विषय आखिर आया कहां से। जो आंकड़े दिखा रहे हैं, क्या वो आंकड़े पर्याप्त नहीं है ये समझने के लिए कि जो जनसंख्या ज्यादा थी वो जनसंख्या अगर कम हुई, इस धरती पर रहने वाले लोग जो अन्य देशों में रहते थे वहां पर पहले अगर वो संख्या ज्यादा थी और वो संख्या कम हो गई, तो वो संख्या गई कहां, धरती निकल गई या आसमान फट गया उसमें समा गई। ये आंकड़े इस बात को प्रतिपादित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए तय है। इसलिए विपक्षी दल के जिस नेता ने अभी अभी इस विषय पर सबूत मांगा, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि ये बहुत पीड़ादायक है। कई बार ये परिस्थितियां पैदा होती हैं जब कभी हम वकीलों की भाषा में अगर कहें तो लोग इस विषय को पूछते हैं कि कोई घटना घटी तो कैसे घटी, क्या हुआ, लेकिन जब किसी महिला के साथ वो घटना घटती है और उस महिला से पूछा जाता है कि घटना कैसे घटी, जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार वो महिला बार बार प्रताड़ित होती है, उतनी बार मरती है। ये सबूत मांगने का इस सदन में इस प्रकार का दुस्साहस करना, मेरा मानना है कि ये उसी का प्रमाण है कि ये उस प्रकार हमको बार बार प्रताड़ित करने का काम भारत देश के नागरिकों को कर रहे हैं। भारत देश में हमेशा से शरणार्थियों की रक्षा की गई है और ये इस बात में इतिहास गवाह है। भारत का इतिहास बहुत समृद्धशाली है और भारत की जो सरकार है वो भारत की संस्कृति को समेटकर, भारत की संस्कृति के साथ साथ संविधान को अपने संरक्षण में लेकर, संविधान को संरक्षित करते हुए सबका साथ सबका विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से जो हजारों हजार, मैं आपको इस विषय पर आने के पहले जब भारत का विभाजन हुआ उस समय ले जाना चाहती हूँ कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय जो महिलाओं के साथ घटना घटी, वो महिलाएं जब भारत के विभाजन के समय भारत की तरफ आईं और लियाकत और नेहरू का जो समझौता हुआ, नेहरू लियाकत अली जी का ये समझौता जिसमें भारत हमेशा ठगा गया और बहनों के साथ में जिस प्रकार की घटनाएं घटी वो घटनाएं इतिहास में माफ करने के योग्य नहीं है। इन विषयों पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन नेहरू लियाकत अली का वो समझौता जिसमें कि हमें संरक्षण देने की बात की गई थी, भारत के वह हजारों हिंदू नागरिक, हिंदू बहनें जिनकी छातियां काट डाली गईं, लेकिन किसी ने उस समय केवल राजनीति के कारण बोलने का दुस्साहस नहीं किया। आज इतने वर्षों के बाद
किसी सरकार ने ईमानदारी के साथ प्रयास किया कि सच में भारत का जो नागरिक है, जो भारत की धरती की तरफ हमेशा भारत की धरती पे पैदा हुआ है, अगर वो हिंदू है तो उसका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए इस नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को भारत की सरकार ने लाया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, मैं अपने गृह मंत्री जी को अभिनंदन फिर से करती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूं, विपक्षी दल की एक प्रमुख महिला नेत्री ने एक ट्वीट किया और यह ट्वीट पढ़कर मुझे इस बात का बेहद आश्चर्य था। उन्होंने कहा, उनके ट्वीट पर यह ऑन रिकॉर्ड भी है, उन्होंने कहा कि यह कट्टरता की पराकाष्ठा है। मैं उस विषय को पूछना चाहती हूं कि उस दिन वो क्यों चुप रह गई जब 400 सीटों के साथ में रूढ़िवादी मुक्त प्रधानमंत्री इस देश की संसद में बैठे और इस देश की संसद में जब वो बैठे शाहबानों के प्रकरण पर उन्होंने कट्टर पंथ के आगे जब उन्होंने सर झुका दिया, उस दिन ये ट्वीट कहने करने वाली प्रमुख दल की वो महिला नेत्री चुप क्यों रह गई, उनका परिवार चुप क्यों रह गया। मैं आज इस विषय को पूछना चाहती हूं। आप इस सदन में राजनीति की बात करते हैं, हमने कभी राजनीति नहीं की। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यह मानवीय आधार पर लाया गया है, यह मानवता की बात है। और मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूं कि यहां पर जब हम कभी बैठते हैं, यह वो संसद है जो इतिहास रचती है, यह वो संसद है जिसमें आपकी ओर देश का हर नागरिक देखता है। और अगर आपने ईमानदारी से बात कही तो वो बातें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता उसे सुनती है और ये मानती है कि आप उसका हित संरक्षित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूं हमारे सदन में। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने इस विषय को कहा कि हमारे गृह मंत्री जी से कोई नहीं डरता है। हमने नहीं कहा कि गृह मंत्री जी से कोई डरना चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा और हमेशा उसी तरफ से यह आवाज आती है। अगर यह आवाज हमेशा उस तरफ से आई, आज आपने इस बात को स्वीकार किया, आपको धन्यवाद है, आपको बधाई है। आज वो अभी सदन में नेता नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं कि आपके माध्यम से कि जब भी उन्होंने इस विषय को कहा है कि उनसे कोई नहीं डरता, हम नहीं कहते कि आप डरिए, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने काम किया है उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपके दल के जिन नेताओं ने इन विषयों को कहा है, आप कम से कम उन्हें माफी मांगने के लिए तो कह ही सकते हैं, और ये बात जरूर होनी चाहिए, ऐसा मेरी अपेक्षा है। आज ये बिल जब संसद में पारित हो जाएगा, मुझे लगता है कि वो परिवार जो अत्याचार, अपमान और शोषण झेला है, अब आज के बाद वो स्वाभिमान के साथ भारत के नागरिक बन जाएंगे। उन्हें वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के नागरिक को मिलती है। लेकिन ये सही है कि इसके लिए किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, किसी पीड़ित को, किसी शोषित को न्याय दिलाना ये मानव की सेवा है, और हमने ये सेवा करने का एक संकल्प लिया है। भारत की सरकार ने संकल्पित होकर इस संशोधन विधेयक को लाया है, और ये संशोधन विधेयक आज से 50 साल पहले जिस प्रकार से इतने लंबे समय के राजनीति के कालखंड में आज तक इस संशोधन, इस विधेयक को लाने की हिमाकत सरकार ने नहीं करी, अगर ये पहले हुआ होता तो जो पीड़ित परिवार थे वो कई वर्षों पहले स्वाभिमान के साथ भारत के नागरिक कहलाते। मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जिन्हें धार्मिक आधार पर भेदभाव और जुल्मों का सामना करना पड़ा है, वहां पर रहने वाले जो नागरिक थे, ये इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में 1947 में 23% अल्पसंख्यक थे, 2011 में 3.7% रह गए। बांग्लादेश में 22% थे जो 2011 में 7.8% रह गए। माननीय महोदय, मैंने ये आंकड़े आपके समक्ष इसलिए रखे कि ये आंकड़े इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जब हम कहीं पर रहने के लिए जाते हैं तो हमें सुरक्षा चाहिए होती है, हमारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, हमें रोजगार चाहिए होता है, और जब हमें ये सब चीजें मिलती हैं तो हम इन विषयों पर
वहां पर रहने के काबिल माने जाते हैं। लेकिन इन विषयों के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा विषय है, चूंकि मैं महिला हूं इसलिए इस विषय को कहना चाहती हूं कि जब हम वहां पर रहते हैं और हमारी ही बेटियां, हमारी अगर बेटियां वहां पर सुरक्षित नहीं है तो लोग वहां से सीधे और सीधे पलायन करना चाहते हैं। ये विषय केवल और केवल मानवता के साथ साथ इस बात का भी है कि हमारी बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे, इसलिए लोगों ने पलायन किया है। मैं इस बिल को पारित करने की सर्वसम्मति से इस सदन में अपील करती हूं। धन्यवाद।